कोर्स और कुछ क्वेश्चन जो कि आंसर भी आपको दिया गया है, ठीक है। बीकॉम प्रॉमिंग और बीकॉम ऑनर्स के कोर्स है बिजनेस लॉ, इसमें आपको नोट्स है और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हैं और उसके आंसर्स भी आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना चीज़ों को, क्योंकि अभी एग्जाम्स वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन से लेके दो क्वेश्चन के बीच में कन्फर्मली ही आते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके आते हैं और इसमें कुछ शॉर्ट नोट भी लिखने को आते हैं, उसमें भी इसी चैप्टर से आपको शॉर्ट नोट लिखने को आएंगे, जो कि मैंने नीचे कुछ डिफरेंस बता रखे होंगे, कुछ शॉर्ट नोट बता रखे होंगे, तो इस चीज़ पर आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, ठीक है। यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 के बारे में सब कुछ डिटेल से आपको समझाया गया है, थोड़ी छोटी सी हेडिंग से आपको इस इतने चीज़ों को बताया गया, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको फर्स्ट सितंबर को 1972 को ये आया था, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना कब आया था, ठीक है। इसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, क्या क्या पॉलिस मतलब की चीज़ें को बताया गया था, क्या क्या चीज़ इसमें लाए गए थे, ये सब कुछ आपको इसमें बस पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ द इंग्लिश लॉ, ये भी थोड़ा सा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको अगर इंपॉर्टेंट होगा वो चीज़ पर हाईलाइट रहेगी, ठीक है। जैसे ये है, ये आपका हाईलाइटेड है, ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ के चीज़ों को समझ लेना, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रख लेना, एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का क्या है फॉर्मूला, एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सबिलिटी, ठीक है। ये सब कुछ इनके फॉर्मूला हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि जिसके आपको आंसर्स भी आपको साथ में दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको देख सकते हैं ये एक क्वेश्चन, ठीक है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन दोनों को शॉर्ट नोट पे लिखने को आ सकता है, तो आप लोग को एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन ना देके आपको सीधा शॉर्ट नोट भी पूछ लेगा, तो आप लोग ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। ऐसे नीचे चलोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इज साइलेंस ऑफ फ्रॉड, ये एक टॉपिक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को मैंने एकदम आसान भाषा में इसको समझाया है, ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और जिस बच्चे को हिंदी में नोट्स चाहिए तो आप लोग प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, साथ में आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सभी चीज़ों का, तो जाइए जल्दी से और सभी चीज़ों को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे नोट्स आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। नीचे चलते हैं, ठीक है। इसमें आपको कि एग्रेस पार्टी जो लॉस है हिज राइट्स, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने जितने जो क्वेश्चन लिए हैं, जितने टॉपिक्स लिए हैं, सभी ये सभी महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी पढ़ लेना, ठीक है। जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके नंबर्स अच्छे आएंगे, और फर्स्ट टर्म से ही अगर अच्छे नंबर लेके चलोगे तो फिर उसमें आपको आगे बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर मिल सकता है, ठीक है। तो कोशिश करना कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप अच्छे नंबर्स को अब जॉब करके लेकर के चलो, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे भी दिया गया, ठीक है। अब इसी टॉपिक को आराम से इजीली वे में शॉर्ट नोट के तौर पे दे सकते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना, और डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको भी आप लोग को पढ़ना है। ये दोनों टॉपिक पढ़ लेना आप, यहाँ मैंने इसके बीच बारे में बताया है, इसके डिफरेंस बताए हैं, क्या क्या डिफरेंस है, और इसकी डेफिनेशन बताइए, इसकी राइट्स बताइए, ठीक है, इसके ट्रीटमेंट बताएं, इसके क्या क्या मतलब कि बेनिफिट होते हैं वो सब कुछ बताया गया है। लीगल और अपोज द पब्लिक पॉलिसी एग्रीमेंट्स, ये भी एक टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर मैंने डिफरेंस बिटवीन बना दिया है ताकि एक साथ दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। इसमें कुछ बुक से भी क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप लोग घबराना मत, बुक से भी क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, ठीक है।